तो दोस्तों फिर से आपके लिए एक लेके आ गए नई वीडियो फ्रेश कमाल धमाल एपिसोड में। ये है गेमिंग के लिए कौन कौन से लैपटॉप चूज करने चाहिए। स्टूडेंट हो या कोई जॉब वाला हो या बिजनेस वाला हो, बच्चा हो या बड़ा हो, गेमिंग का हर कोई दीवाना है। गेमिंग तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चल गया है अभी जिसमें आगे चल के लाखों लोग इस बिजनेस में उतरने वाले हैं, और आगे चल के सबसे ज़्यादा अरबपति भी गेमिंग से ही निकलेंगे, क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई नई नई गेम लॉन्च हो रही है। और जो लोग गेमिंग खेलते हैं उनको तो पता ही है कि क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट हैं। अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, लैपटॉप जो है एक तो पोर्टेबल होते हैं, क्योंकि पीसी क्या होता है, पीसी में अभी अगर गेम्स वगैरह खेलनी है तो पोर्टेबल नहीं है, एक जगह बैठ के खेलनी पड़ेगी। लेकिन लैपटॉप अगर हो तो कोई कॉलेज में है वो भी गेम खेल लेगा, ऑफिस में बैठा वो भी गेमिंग खेल लेगा, बच्चा है घर में बैठा वो भी गेमिंग खेल लेगा। हर तरह का काम अगर आप लैपटॉप से कर सको, उसमें आप गेम भी खेल सको, उसमें क्रिएटिविटी भी कर सको, डिज़ाइनिंग कर सको, कोई सॉफ्टवेयर चला सको, आईटी का, बिजनेस का, कोई भी काम आपको करना बहुत ज़्यादा आसान हो, उस कैटेगरी के लिए मैं आपके लिए 5 लैपटॉप ऐसे लेके आया हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक एंड एजुकेशन में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब हम बात करते हैं हमारे लैपटॉप की। अगर आपको स्टूडेंट के लिए लैपटॉप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक है वहाँ पे आप जाइए, उसको देखिए, और वहाँ पे मैंने अच्छी तरह से डिटेल भी बताई है कि क्या क्या स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है और क्या क्या स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन ऐसी हैं जो हमें गेमिंग लैपटॉप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेन चीज़ क्या है, स्क्रीन जो है 15.6 इंच से अगर कम होगी तो चलेगा नहीं, क्योंकि 15.6 इंच या उससे ज़्यादा की स्क्रीन हमें कम से कम चाहिए। 8 GB की रैम और 4 GB का ग्राफिक कार्ड, ये बहुत बेयर मिनिमम है। अगर रैम कम मिलती है या ग्राफिक कार्ड कम मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि काम चल पाएगा, बल्कि इससे ज़्यादा ही होना चाहिए कम से कम। i5 या i7 और जनरेशन भी इसकी 10th। अगर आपको AMD Ryzen में जाना है तो Ryzen 5 या Ryzen 7 ये एक बहुत अच्छी बेस्ट ऑप्शन है। बैटरी बैकअप 6 से 8 घंटे अगर चल जाए, कूलिंग सिस्टम हो, और जो लैपटॉप है ये एक अच्छी क्वालिटी का, अच्छी परफॉर्मेंस का होना चाहिए। तो ये हमारा बेयर मिनिमम क्राइटेरिया है। अब हम बात करते हैं हमारे लैपटॉप्स की। पहला लैपटॉप दोस्तों हमारे पास है डेल का G3 3500, 15.6 इंच की स्क्रीन के साथ और 8 GB रैम। ये i5 10th जनरेशन का लैपटॉप है, 4.5 GHz की स्पीड वाला। रैम इसकी आप बढ़ा सकते हो, आज 8 GB है, 32 GB तक कर सकते हो। 256 GB का इसमें SSD है, 1 TB की हार्ड ड्राइव भी दी हुई है। GPU जो इसका ग्राफिक कार्ड है वो NVIDIA का G4 GTX 4 GB का ग्राफिक कार्ड है इसका। विंडोज़ इसमें 10 दी हुई है, और बैटरी बैकअप भी 6 से 8 घंटे बड़े आराम से चलता है। ये लैपटॉप का जो प्राइस है 73,500 रुपीज़ का है। वैसे तो जो इसके प्राइस हैं बढ़ते रहते हैं, कभी बढ़ गए कभी कम हो गए, आज का मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ, आगे वैसे आप चेक कर लेना ऑनलाइन जाके। नेक्स्ट हमारे पास है लिनोवो का आइडिया पैड। ये हमारा लैपटॉप है जो गेमिंग का लैपटॉप है। GPU इसमें जो है हमारा NVIDIA का 4 GB है, बहुत अच्छा इसका ग्राफिक कार्ड है। प्रोसेसर इसका i7 10th जनरेशन का, प्रोसेसर इसका काफ़ी अच्छा है। 8 GB रैम और 15.6 इंच की इसकी स्क्रीन है। 256 GB का इसमें SSD भी है, और 1 TB की इसमें हार्ड ड्राइव भी दी हुई है। मतलब स्टोरेज भी अच्छी है और इसका जो स्पीड कल्चर है वो भी काफ़ी बढ़िया है। मुझे लगता है कि ये जो लैपटॉप है इसमें आप हैवी सॉफ्टवेयर भी काफ़ी अच्छे तरीके से चला सकते हो। 77,900 रुपीज़ इसका प्राइस है आज का। लिनोवो के लैपटॉप्स काफ़ी अच्छे होते हैं, बैटरी बैकअप और तो इनका काफ़ी अच्छा रहता है, और जो इनका ग्राफिक कार्ड है उसकी भी स्पीड इसकी काफ़ी अच्छी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट हमारे पास 200 लैपटॉप है असूस का ROG स्ट्रीक्स G15। ये भी काफ़ी सुपर क्वालिटी का लैपटॉप है। असूस के लैपटॉप जो हैं वैसे ही काफ़ी अच्छे प्रोसेसर वाले आते हैं। डिस्प्ले अगर बात करें तो 15.6 इंच की है, i5 10th जनरेशन, 2.5 GHz की स्पीड के साथ, 1 TB की SSD इसमें, SSD काफ़ी अच्छी है, 8 GB की रैम है, आप इसको आगे 32 GB को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। बैटरी 8 घंटे बड़े आराम से चल जाती है। ग्राफिक कार्ड इसमें GTX का 4 GB है। विंडोज़ जो 10 इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये 78,000 रुपये का लैपटॉप है। फोर्थ नंबर पे हमारा लैपटॉप है HP Omen का, ये भी गेमिंग लैपटॉप है। 15.6 इंच की फुल HD इसकी स्क्रीन है, और ग्राफिक कार्ड इसमें है 4 GB NVIDIA का, 8 GB रैम है, आप इसको आगे 16 GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हो। स्क्रीन की रिफ्रेश रेट भी काफ़ी अच्छी है, 144Hz की। AMD Ryzen 5 4600 का ये प्रोसेसर है हमारा, प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है, मतलब ये नई जनरेशन वाला प्रोसेसर है। NVIDIA का इसमें 1650 Ti का ग्राफिक कार्ड भी है, स्पीड काफ़ी अच्छी है इसकी, प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है। बैटरी बैकअप 6 से 8 घंटे का बड़े आराम से मिल जाता है। बैकलिट कीबोर्ड है इसमें, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये लैपटॉप थिन है, ज़्यादा हैवी नहीं है, 73,000 रुपीज़ या 74,000 की रेंज में ये नॉर्मली है। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों लास्ट नंबर पे लैपटॉप आता है असूस का TUF गेमिंग। ये एक जो लैपटॉप है ये मतलब सबसे ज़्यादा फास्ट है। क्यों?
एक तो इसका राइजन 7 AMD का प्रोसेसर है, राइजन 7 का प्रोसेसर 4800 वाला आज की नई जनरेशन का प्रोसेसर है। इसकी जो रैम है 16 GB की है, जो इसका ग्राफिक कार्ड है वो भी 6 GB का है विंडोज 10 होम के साथ, और इसमें एक जो कूलिंग सिस्टम लगा है वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसका जो प्राइस है ये 88,990 का। इसका इतना प्राइस क्यों है, सबसे बड़ी खास बात है इसमें रैम भी ज़्यादा है, इसमें ग्राफिक कार्ड भी बड़ा है और इसका प्रोसेसर भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो ये थी आज की कमाल धमाल हमारी वीडियो, जो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था। ये वीडियो आपको किस तरह से लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। हमारी वीडियो को लाइक आप ज़रूर किया करो, क्योंकि लाइक करने से हमारा हौसला और ज़्यादा बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब आप प्लीज़ ज़रूर कर लो, इससे हम आपके लिए नई नई वीडियो, नई फ्रेश कमाल धमाल के एपिसोड्स लेके आएंगे। अगर कोई और चीज़ आप देखना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट करो, मैं आपको ज़रूर वो वीडियो बना के दूंगा। जल्दी एक ऐसी ही कमाल की वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।